बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है जोशीमठ। भूदशाओं के कारण बिगड़ती जा रही है स्थिति। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भूदशाओं का मामला। गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से मशहूर उत्तराखंड का जोशीमठ बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। जोशीमठ में हो रहा भूदशाओं के कारण स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। भूदशाओं ने क्षेत्र के सभी वार्डों को चपेट में ले लिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीएमओ लगातार मामले की निगरानी कर रहा है। राज्य सरकार भी प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने पर विचार कर रही है। इस बीच जोशीमठ में भूदशाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले को लेकर ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने इस मामले में सोमवार यानी 9 जनवरी को अर्जेंट सुनवाई की अपील की है। याचिका में ऐसी स्थिति बने रहने पर नरसिंह मंदिर आदि शंकराचार्य से जुड़ी प्राचीन जगहों के नष्ट होने का भी अंदेशा जताया गया है। याचिका में प्रभावित लोगों को सहायता देने, उनकी संपत्ति का बीमा करवाने की मांग की गई है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के अधिवक्ता परमेश्वर नाथ मिश्र ने याचिका में कहा है कि भूदशाओं की जद में 2500 साल से भी ज्यादा प्राचीन मठ भी आ गया है। पूरा क्षेत्र इससे दहशत में है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इसके लिए त्वरित उपाय क्रियान्वित करने का आदेश जारी करे, सरकार को आदेश दे कि फौरन कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को तस्वीरों के माध्यम से मामले की गंभीरता को दिखाने की कोशिश की है। याचिका में बताया गया है कि अभी तक 500 से ज्यादा मकानों में दरारें आ गई हैं। लगातार कई इलाकों की स्थिति खराब बनती जा रही है। याचिका में केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार के अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और चमोली के डीएम को पक्ष बनाया गया है।